Today we discussing about the next topic of pharmacology. Today we read. आज हम पढ़ेंगे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशंस. इट इज़ ए इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ फार्माकोलॉजी कि किस किस रूट से हम ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं किसी पेशेंट के अंदर. उन सभी रूट को बारे में हम यहाँ पर उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज कौन कौन से डिफरेंट रूट हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. साथ में हम ये भी देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं चॉइस ऑफ रूट एडमिनिस्ट्रेशन की, मतलब वो चॉइस करें किस कंडीशन में हमें कौन सा रूट देना है. तो स्टार्ट करते हैं हम रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशंस. मोस्ट ऑफ द ड्रग कैन बी एडमिनिस्टर्ड बाई वेराइटी ऑफ रूट. द चॉइस ऑफ पर्टिकुलर रूट इज डिपेंड ऑन बोथ ड्रग एज वेल एज पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स. यानी मैंने अभी बताया था आपको चॉइस यानी मेजोरिटी ऑफ रूट है, बहुत सारे रूट हैं, ओरल रूट है, पैरेंटल रूट है, सबलिंगल रूट है, रेक्टल रूट है, बहुत सारे रूट हैं ड्रग लेने के लिए. लेकिन उनमें से कोई एक रूट सेलेक्ट किया जाए या चूज़ किया जाए वो पर्टिकुलरली रूट डिपेंड करता है ड्रग पर, ड्रग की प्रोफाइल पर डिपेंड करेगा, ड्रग के रिलेटेड फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, साथ में पेशेंट की कंडीशन भी डिपेंड करता है. यानी दोनों की कंडीशन डिपेंड करता है कि ड्रग कैसी है उसकी कंडीशन पे भी एज वेल एज पेशेंट के रिलेटेड कंडीशन पे भी डिपेंड करता है. तो फैक्टर अफेक्टिंग चॉइस ऑफ रूट ड्रग एडमिशन कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमको उसको अफेक्ट करते हैं कि कौन से ड्रग हम सेलेक्ट करें उसके बारे में देखें. तो फर्स्ट नंबर आता है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग सच एज सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉल्युबिलिटी, पीएच, स्टेबिलिटी, एडीसी. यानी कोई भी ड्रग सॉलिड नेचर की होगी, लिक्विड नेचर की होगी, गैस नेचर की होगी, तो उसके कैम फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग भी हम चेंज करते हैं. जैसे सॉलिड नेचर की है तो हो सकता है हम आसानी से उसे ओरल रूट से दे सकें, लिक्विड नेचर की है तो भी हम उसे ओरल रूट भी दे सकते हैं और उसे साथ में पेरेंटल या फिर आईवी रूट से भी दे सकते हैं. गैस नेचर की कोई ड्रग है तो उसके लिए हमारे पास एक ही तरीका है, उसे इन्हेलेशन रूट से देना पड़ेगा थ्रू द नोज, इन्हेलेशन रूट से उसको प्रिस्क्राइब करना पड़ेगा. सॉल्युबिलिटी भी डिपेंड, अगर सॉल्युबिलिटी किसी ड्रग की कम है तो उसे हम ओरल रूट से नहीं दे सकते. ओरल रूट जब वो ड्रग वो देंगे तो वो स्टमक में जाएगी, स्टमक जाके वो जब घुलेगी, जब उसकी सॉल्युबिलिटी कम है तो घुल नहीं पाएगी, जब घुल नहीं पाएगी तो एब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड में पहुँच नहीं पाएगी. तो उस सॉल्युबिलिटी जिसकी कम है उसे हम ओरल रूट से नहीं दे सकते. इसी तरह पीएच फैक्टर होता है. जैसे मैं आपको बता दूं जो लो पीएच की ड्रग होती हैं वो सब आपके स्टमक से एब्जॉर्ब होती हैं और जो हाई या पीएच की ड्रग होती हैं यानी कि अल्कलाइन ड्रग होती हैं वो आपके बेसिकली इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होती हैं. क्योंकि इंटेस्टाइन जो आपकी है लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी पीएच आपकी बेसिक नेचर होता है और जो स्टमक में नेचर होता है वो आपका एसिडिक होता है. तो यानी कि कम पीएच की ड्रग एसिडिक एनवायरनमेंट में एब्जॉर्ब होती हैं और बेसिक ड्रग बेसिक एनवायरनमेंट में एब्जॉर्ब होती हैं. यानी कि अल्कलाइन ड्रग जो होंगी जिनका पीएच ज़्यादा होगा वो सभी अल्कलाइन नेचर्स के मीडियम में ही एब्जॉर्ब हो पाती हैं. तो पीएच भी अफेक्ट करता है. अब मान लो कोई ड्रग ऐसी है जो हमें स्टमक से ऑब्जर्व करानी, जो लो पीएच में ऑब्जर्व होती है तो लेकिन वो सॉरी हाई पीएच में ऑब्जर्व होती है लेकिन वो जो लेकिन वो क्या हुआ कि एसिड के कॉन्टैक्ट में आकर डिग्रेड हो जाती, तो उस ड्रग को भी हम ओरल रूट से नहीं दे सकते क्योंकि पहले हमारे क्या हुआ स्टमक से पास हो गई. स्टमक क्या है, एसिड है, तो एसिड से क्या हुआ डिग्रेड हो सकती है और डिग्रेड जब हो जाएगी तो प्रॉपर ना इफेक्ट नहीं शो करेगी कहाँ पर, इंटेस्टाइन में पहुँच कर. तो बहुत सारे फैक्टर हैं, पीएच भी, स्टेबिलिटी भी है कि बहुत सी ड्रग होंगी वो आपकी डाइजेस्टिव एंजाइम या डाइजेस्टिव जूस से भी डिग्रेड हो सकती हैं, उनकी स्टेबिलिटी नहीं रह पाती है. बहुत सी ड्रग एसिड के कारण डिग्रेड हो जाती हैं. तो ये स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग भी फैक्टर्स है. तो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग भी इफेक्ट करता है कि कौन सा हम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चूज़ करें, कौन सा सेलेक्ट करें, डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल यानी सॉलिड लिक्विड गैस यानी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी यानी कि सॉलिडिटी है, पीएच है, स्टेबिलिटी है, ईटीसी. अब बात करते हैं साइट ऑफ डिजायर्ड रिएक्शंस. दूसरा है साइट ऑफ डिजायर्ड, मतलब अब हमारा क्या साइट ऑफ डिजायर्ड रिएक्शन, मतलब जहाँ पर हमें इफेक्ट की ज़रूरत है उस अकॉर्डिंग सेलेक्ट करते हैं. जैसे मान लो किसी को कोई इंजरी हुई है, किसी को इंजरी चोट लग गई है, चोट लगने पर क्या होगा मोस्टली क्या टॉपिकली हम अप्लाई करते हैं क्योंकि वहाँ पर हमें साइट ऑफ डिजायर्ड रिएक्शन जिस साइट पर हमें ड्रग की ज़रूरत है वहाँ पे हम अप्लाई करेंगे. उसके लिए तो ये नहीं है कि हम ड्रग ओरल रूट से ले लेंगे, पहले हम क्या करते हैं कि जो टॉपिकल इंजरी है वहाँ पर अप्लाई करेंगे. तो यानी कि साइट ऑफ डिजायर्ड रिएक्शन जहाँ पर हमें एक्शन की ज़रूरत है उस अकॉर्डिंग भी रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो जाता है. टॉपिकल रूट देना है, ओरल रूट देना है या आईवी रूट देना है, दीज आर द चेंज. जैसे आई में इन्फ्लामेशन है तो ओरल रूट से ड्रग देना, देखिए आई में आई के आई ड्रॉप से हम देना पसंद करेंगे क्योंकि हमें एक्शन की ज़रूरत कहाँ पर है, आई पर है. तो ये भी एक फैक्टर है कि साइट ऑफ डिजायर्ड रिएक्शन जहाँ पे हमें ज़रूरत है एक्शन की उस अकॉर्डिंग भी हम
रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट बात करें रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग फ्रॉम डिफरेंट रूट। रेट एंड एक्सटेंट का मतलब है कितनी रेट से, कितने जल्दी, और एक्सटेंट में कितना ज़्यादा अमाउंट, जिस कितने हायर अमाउंट में ड्रग एब्जॉर्ब होकर ब्लड में पहुँच रही है और कितनी जल्दी पहुँच रही है, उस रूट को हम प्रेफर करते हैं, क्योंकि हमें इफ़ेक्ट क्या चाहिए, तुरंत चाहिए। अब मान लो कोई पेशेंट है जो इमरजेंसी कंडीशन है, उसको हमें बहुत जल्दी ही हीलिंग देना है, कोई एंटीबायोटिक देना है या कोई न्यूट्रिशन वैल्यू देनी है। मान लो उसके अंदर कोई किसी को बहुत डायरिया हो गया है, अब बहुत हैवी डायरिया है तो उसकी बॉडी में क्या इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाएगी, इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि मिनरल्स की कमी हो गई है। उस कंडीशन में हमारे दो चॉइस हैं, एक तो हम ORS दे सकते हैं उसको और दूसरा हम उसको IV रूट से इलेक्ट्रोलाइट इन्फ्यूज़न कर दें। अब हम ओरल रूट से देंगे तो एब्जॉर्ब होने में टाइम लेगा, क्यों, क्योंकि उसका रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या है, ड्रग यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइट है वो ड्रग का काम कर रहे हैं यहाँ पर, उनका क्या कम है, जबकि IV रूट से क्या है ज़्यादा है, तो उसे IV इन्फ्यूज़न हम लगा देते हैं एज कम्पेयर टू द ORS देने से ज़्यादा। ऐसी बहुत से ड्रग है, जैसे कि मान लो आप किसी पेशेंट को मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं या फिर उसे कन्वल्सन्स हो रहे हैं, तो कन्वल्सन्स के लिए हम ओरल रूट ड्रग देंगे तो ओरल वो एब्जॉर्ब होने में ज़्यादा टाइम लगाएगी, देर में रेट जो होगा वो कम होगा, एक्सटेंड मतलब अमाउंट भी एब्जॉर्ब होकर ब्लड में कम पहुँचेगा। जबकि हम उसे आईवी रूट से दे रहे हैं तुरंत वो ब्लड में पहुँचेगी, ब्लड में पहुँचेगी तुरंत वो ब्रेन में पहुँचेगी, तुरंत उसके एपिलेप्सी के जो सिम्टम्स होते हैं वो आपके कम कर देगी। तो उस कंडीशन में क्या है, हम आईवी रूट प्रेफर करेंगे। कौन सा रेट प्रेफर करेंगे, जिसमें बहुत अच्छी रेट से ड्रग हमारे ब्लड में पहुंच रही हो और ज़्यादा अमाउंट में पहुंच रही हो, यानी रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग फ्रॉम डिफरेंट रूट्स भी अफेक्ट करता है चूज ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे सिचुएशंस वैसे हम रूट सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट बात है इफेक्ट ऑफ गैस्ट्रिक एसिड, डाइजेस्टिव एजेंट्स एंड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग। मैंने बताया था बहुत सी ड्रग होती हैं गैस्ट्रिक एसिड से डिग्रेड हो जाती हैं, तो उसे ओरल रूट से नहीं दे सकते, डाइजेस्टिव एजेंट डिग्रेड हो जाती हैं उसे हम ओरल रूट से नहीं दे सकते, दूसरा अल्टरनेटिव रूट को हम प्रेफर करेंगे। इसी तरीके फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है कि ड्रग हमने कोई ली और ब्लड के सर्कुलेशन में पहुँचने से पहले उसमें केमिकल मॉडिफिकेशन हो जाए कि केमिकल चेंजिंग हो जाए यानी मेटाबॉलिज्म हो जाए, उस कंडीशन को बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। यानी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म रिफर्स टू व्हेन द ड्रग आर मेटाबोलाइज बिफोर रीच टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, यानी सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचने से पहले ही ड्रग मेटाबोलाइज हो रही है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अगर ड्रग मेटाबोलाइज हो जाएगी तो वो एक्टिव फॉर्म में कम रहेगी, उसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या हो गया चेंज हो गया, तो एक्टिव फॉर्म में कम होगी, जब एक्टिव फॉर्म में कम होगी तो उसका इफेक्ट भी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, तो वो भी हमको ध्यान रखना पड़ता है चूज ऑफ जब हम सेलेक्ट करते हैं कौन से रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग दी जाए। ठीक है, तो गैस्ट्रिक एसिड भी इफेक्ट कर रहा है, डाइजेस्टिव एंजाइम भी इफेक्ट कर रहा है, साथ में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के भी इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका डिपेंड अपॉन द जनरल रूटीन ट्रीटमेंट ऑफ इमरजेंसी ट्रीटमेंट्स। अगर किसी का रूटीन ट्रीटमेंट चलता है तो कोशिश करी जाती है कि ओरल रूट से ड्रग दी जाए, जैसे कि डायबिटिक पेशेंट है तो रूटीन ट्रीटमेंट चल रहा है, तो रूटीन ट्रीटमेंट में आप क्या पर डे थोड़ी IV देंगे, तो उसके लिए क्या है पर डे ओरल ही प्रेफर किया जाएगा क्योंकि वो रूटीन ट्रीटमेंट है। इमरजेंसी ट्रीटमेंट में हमें जल्दी से रिलीफ देना है किसी पेशेंट को, और जल्दी रिलीफ देने के लिए क्या है हम ऐसे रूट सेलेक्ट करेंगे तुरंत ड्रग पहुँचे ब्लड के अंदर सिस्टम सर्कुलेशन में तुरंत पहुँचे और तुरंत इफेक्ट हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं IV रूट सेलेक्ट करते हैं। तो ये कंडीशन भी है कि किसी पेशेंट का रूटीन ट्रीटमेंट चल रहा है तो हम कोशिश करेंगे ओरल रूट से ड्रग दी जाए, और इमरजेंसी कंडीशन है तो उसको हम थ्रू द इंजेक्शंस यानी पेरेंटल रूट से हम ड्रग देते हैं। एक्यूरेसी ऑफ डोजेस रिक्वायरमेंट, कुछ ऐसी ड्रग होती हैं जिनकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा नीडेड होती है, अगर थोड़ी सी भी उनकी क्वांटिटी बढ़ जाए तो टॉक्सिक इफेक्ट आ जाता है, और थोड़ी सी क्वांटिटी कम हो जाए तो उनका इफेक्ट नहीं आता है, यानी कि अमाउंट है 100 mg में ही वो ड्रग काम कर रही है। मान लीजिए कोई ड्रग है जो 100 mg में इफेक्ट दे रही है, अगर 105 mg इफेक्ट हो रहा है तो वो टॉक्सिक हो जा रही है, नुकसानदेह कर रही है, अगर वो 95 mg जा रही है तो वो अपना इफेक्ट शो नहीं कर रही है, तो उस कंडीशन में हम क्या है कि ऐसे रूट प्रेफर करेंगे जिसकी बायबिलिटी अच्छी हो, यानी कि IV रूट यानी पेरेंटल रूट को प्रेफर करेंगे। तो एक्यूरेसी और डोजर रिक्वायरमेंट की कंडीशन में भी हम वो रूट सेलेक्ट करेंगे जिसकी बायबिलिटी अच्छी हो, यानी कि जल्दी ड्रग पहुँचे और सफिशेंट अमाउंट में ड्रग पहुँचे। नेक्स्ट आता है कंडीशन ऑफ द पेशेंट, सच ऐसे अनकॉन्शियस एंड वोमिटिंग। अगर कंडीशन ऑफ पेशेंट भी वेरी करता है, अगर कोई पेशेंट है वो अनकॉन्शियस कंडीशन में है, बेहोश की हालत में, तो उसे आप ओरल रूट से ड्रग नहीं दे पाएंगे, उसके लिए आप
अदर रूट प्रेफर करेंगे, चाहे रेक्टल रूट हो चाहे पेरेंटल रूट हो, और रूट से ड्रग नहीं दे पाए। सेम एज वोमिटिंग, अगर किसी को वोमिटिंग हो रही है तो भी आप ओरल रूट से देंगे तो भी उसको प्रॉब्लम करेगी, कि ओरल रूट से देंगे तो वो वोमिट फिर कर सकता है, इसलिए ओरल रूट के अलावा अल्टरनेटिव रूट पे हम जाते हैं। तो ये हो गए बहुत सारे फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं कि कौन से रूट को हम सेलेक्ट करें, कौन से रूट से हम ड्रग पेशेंट को दें। अब बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। बेसिकली जो क्लासीफाई किया गया ड्रग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वो दो टाइप में किया गया, एक सिस्टमिक एक लोकल। लोकल यानी वो रूट जिसमें ड्रग क्या है आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में यानी ब्लड में नहीं पहुंच रही है, जहां हमने लगाई वहीं पे इफेक्ट शो कर रही है, पूरे ब्लड के सर्कुलेशन में होते हुए पूरी बॉडी में फ्लो नहीं हो पा रही है, उस टाइप के रूट को हम लोकल रूट बोलेंगे। सिस्टमिक रूट यानी कि वो रूट जिसमें ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन पहुंच रही है, पूरी बॉडी में वो सर्कुलेट होगी, ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन पहुँचेगी तो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगी, उस रूट को हम क्या बोलेंगे, सिस्टमिक रूट बोलेंगे। तो लोकल रूट सिस्टमिक रूट में डिवाइड किया। लोकल रूट में आपका स्किन टॉपिकल है, इंट्रानेजल है, ऑकुलर ड्रॉप है, म्यूकोजल थॉरॉइड वेंजनल माउथ ईयर इन्हलेशन, माउथ ईयर जो पेंट होते हैं वो हो सकते हैं, इन्हलेशन भी हो सकता है, और ट्रांसडर्मल पैचेस होते हैं वो सभी आ जाते हैं। सिस्टमिक की बात करें, सिस्टमिक को डिवाइड किया अगेन टू टाइप में, एक बात किया हमने इंटरनल, दूसरा किया पेरेंट्रल। इंटरनल यानी कि इंटरनल मतलब क्या है, वो रूट जो हम डाइजेस्टिव ट्रैक के थ्रू ड्रग को दे रहे हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक कहाँ तक होती है आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, कि ओरल रूट जहाँ हमारे ओरल कैविटी स्टार्ट होती है और एनस तक जाएंगे, तो वो क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा रूट है। तो इस ओरल रूट से लेकर एनस तक के पोर्शन में अगर हम ड्रग कहीं से भी दे रहे हैं तो वो किस में आएगी, एंट्रल पोर्शन में आएगी। तो एंट्रल में आपका ओरल हो गया, सबलिंगल यानी कि जीभ के नीचे रखते हैं और सबलिंगल या बक्कल रूट भी कहते हैं, और रेक्टल रूट यानी कि एनएस पोजीशन में जो ड्रग लगाई जाती है रेक्टल पोजीशन में एनएस के थ्रू, तो वो क्या हो गई आपकी, ये सभी किस में आएंगे, इंटरनल में। फिर आता है पेरेंटल। पेरेंटल यानी कि जो इंजेक्शंस के थ्रू दिए जाते हैं वो डाइजेस्टिव ट्रैक में नहीं दे रहे हैं, डायरेक्टली आपके सिस्टम सर्कुलेशन में ड्रग पहुँच जा रही है, डैट इज ए पेरेंटल। पेरेंटल में इनहलेशंस, एस्थमेटिक पेशेंट आपने देखे होंगे वो डायरेक्टली ड्रग लेते हैं, वो आपके एल्वोलाई से होते हुए ब्लड में पहुँच जाती हैं। इंजेक्शन में आपका इंट्रावीनस इंजेक्शन है, इंट्रामस्कुलर है, सबक्यूटनस है, इंट्रा आर्टिकुलर है, इंट्राडर्मल है। तो ये सभी क्या हैं, वो सभी रूट हैं जो डायरेक्टली क्या हो सिस्टम में सर्कुलेशन में ड्रग पहुँच जा रही है विदाउट फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक से थ्रू नहीं जा रही है। हम उस डाइजेस्टिव ट्रैक के थ्रू के अलावा जिस रूट से हम ड्रग दे रहे हैं वो डायरेक्टली आपके ब्लड स्ट्रीम में पहुंच रही है, सिस्टम सर्कुलेशन पहुंच रही है, वो क्या हो गया, पेरेंटल रूट हो गया। तो ये क्लासिफिकेशन आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम वन बाई वन चीज़ों को क्लियर करने। पहले बात करते हैं हम लोकल रूट की। लोकल रूट इज आल्सो कॉल्ड टॉपिकल रूट ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। टॉपिकल मतलब स्किन की सरफेस पर ही हम कहीं लगाएंगे, चाहे हम नोज़ में लगाएं, चाहे ओरल कैविटी में कहीं लोशन लगाएं या फिर स्किन पर लगाएं, तो वो सभी क्या हैं, लोकल रूट कहलाते हैं, क्योंकि वो सिस्टमिक सर्कुलेशन या ब्लड में नहीं पहुंच रहे होते हैं। इन दिस रूट एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑफ ड्रग टू द आउटर सरफेस और लोकल आउटर सरफेस फॉर द लोकल एक्शंस कैन बी अप्लाई टू द स्किन नेजल म्यूकोजा ईयर एंड कैनल्स ईयर कैनल ईटीसी। तो ये सभी क्या हैं, जितनी भी ये ड्रग्स होती हैं लोकल रूट जो ड्रग दी जाती हैं वो सभी आपके बॉडी के आउटर सर्फेस पर लगाई जाती हैं फॉर द लोकल एक्शंस, जैसे कि स्किन पे अप्लाई की जाएंगी, नेजल म्यूकोजा पे अप्लाई की जाएंगी, ईयर कैनाल में हम ड्रॉप डाल रहे हैं वो भी क्या है, एक तरह से लोकल रूट ही है। लोशंस ऑइंटमेंट्स क्रीम्स पाउडर ड्रॉप्स स्प्रे डोजेस फ्रॉम यूजेस फॉर लोकल एप्लीकेशन, ये सभी आपके लोकल एप्लीकेशन या लोकल रूट से दी जाती हैं। अब बात करें एडवांटेज क्या हो सकते हैं, इसके डिसएडवांटेज क्या होंगे लोकल रूट के, तो एडवांटेज क्या है, इजी रूट ऑफ ड्रग एडमिशन, आसानी से हम इसे ड्रग कोई भी ले सकता है, आसानी से हम किसी चिल्ड्रन को किसी ओल्ड एज पेशेंट को आसानी दे सकते हैं, इजी रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है। ड्यूरिंग लोकल रूट द ड्रग डज नॉट एक्सपोज टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। मैंने आपको बताया सिस्टम सर्कुलेशन जब ड्रग पहुँचेगी नहीं तो पूरी बॉडी में वो एक्सपोज नहीं हो पाएगी एंड डज नॉट रीच टू द ब्लड सर्कुलेशन। जब ब्लड सर्कुलेशन में नहीं पहुँच रही है तो उसके वजह से क्या हुआ, साइड इफेक्ट इज मिनिमम और एब्सेंट, इसलिए साइड इफेक्ट होते हैं वो कम से कम होते हैं। लेकिन डिसएडवांटेज भी इसका है, क्या है कि जो लिपोफिलिक ड्रग है, लिपोफिलिक ड्रग यानी कि जो जिनमें लिपिड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, जो आसानी से लिपिड में सॉल्युबल होते हैं,
बहुत से भी ड्रग क्या कहलाएंगे, लिपोफिलिक ड्रग कहलाएंगे। लिपोफिलिक ड्रग्स आर दोज दैट आर लिपो मतलब लिपिड, फिलिक मतलब लविंग, यानी कि लिपिड लविंग, यानी कि लिपिड में आसानी से डिजॉल्व होने वाली। और हमें आपको पता ही है कि हमारी बॉडी में लिपिड पोर्शन सबसे ज़्यादा होता है, किसी भी मेम्ब्रेन में किसी भी सेल में भी लिपिड पोर्शन ज़्यादा होता है। तो आसानी से क्या होंगी, एब्जॉर्ब होकर सिस्टम सर्कुलेशन में पहुँच सकती है। कोई लिपोफिलिक ड्रग होगी तो ट्रॉपिकल रूट से होते हुए वो हमारी ब्लड में पहुँच सकती है। जैसे आपने देखा होगा कि जो ऑयल्स आते हैं, ऑयल जॉइंट्स ऑयल्स हम अप्लाई करते हैं स्किन पे, तो स्किन पे हम रब करते हैं, रब करते करते वो हमारे ब्लड में भी उसकी जो मेडिकामेंट्स एपीआई होते हैं वो आसानी से हमारे ब्लड में पहुंच जाते हैं। तो वो लिपोफिलिक होते हैं इसलिए पहुंचते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, डिसएडवांटेज यही है कि सम लिपोफिलिक ड्रग्स, जो लिपोफिलिक ड्रग्स हैं जो आसानी से ऑयल में या वाटर में, वो ऑयल में या फिर लिपिड में डिजॉल्व हो जाती हैं, ड्रग आज समटाइम ऑब्जर्व टू द ब्लड, ब्लड में ऑब्जर्व हो जाएंगी, बीच में प्रोड्यूस साइड इफेक्ट व्हेन दीज आर अप्लाई ऑन म्यूकस मेम्ब्रेन। अगर म्यूकस मेम्ब्रेन ये अप्लाई कर रहे हैं तो आसानी से म्यूकस मेम्ब्रेन से होते हुए ब्लड में पहुंच जाएंगी, और ब्लड में पहुंचेंगी तो ज़्यादा क्वांटिटी में कहीं पहुँच गई तो हमें साइड इफेक्ट इंड्यूस करेंगी। तो ये लोकल रूट कंप्लीट हुआ, मैं समझता हूँ क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है सिस्टमिक रूट। सिस्टमिक रूट में क्या है, मैंने बताया था आपको वही है, द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू द सिस्टमिक रूट इज टू बी ऑब्जर्व और रीच टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड एंड डिस्ट्रीब्यूट टू द ऑल ओवर द बॉडी। यानी कि इस रूट में क्या होगा, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टमिक रूट से की जाएगी, तो ड्रग आपकी ऑब्जर्व होकर कहाँ पहुँचती है, सिस्टमिक सर्कुलेशन पहुँचती है, सिस्टमिक सर्कुलेशन ऑफ ब्लड में पहुँचेगी और ऑल बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो सिस्टमिक रूट ऑफ को क्लासीफाई किया गया, तो ओरल रूट है, सबलिंगल या बकल कैविटी रूट है, रेटल रेक्टल रूट है, क्यूटेनियस रूट है, इनहलेशन रूट है, नेजल रूट, पेरेंटल में क्या है, सबक्यूटिनस, इंटरमस्कुलर, इंट्रावीनस, इंट्राडर्मल्स। ठीक है, तो वन बाई वन हम इसको डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं ओरल रूट की। ओरल रूट इज़ द ओल्डर एंड मोस्ट कॉमन रूट ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत कॉमनली रूट जो यूज़ किया जाता है मेजोरिटी वो ओरल रूट ही है। इन दिस रूट लिक्विड एंड सॉलिड ड्रग प्रिपरेशन इज प्लेस ऑन द माउथ कैविटी एंड इज सॉलो अलॉन्ग विद द ड्रिंक एज वेल एज सच एज वाटर्स। यानी कि अगर सॉलिड प्रिपरेशन हैं उसको हम माउथ कैविटी में रखते हैं और हम लिक्विड ड्रिंक से उसको हम सॉलो कर लेते हैं, लेकिन अगर लिक्विड प्रिपरेशन हो तो डायरेक्टली उसको इनहेल कर सकते हैं, जैसे सिरप है, सस्पेंशन है, ETC को। तो सॉलिड डोजेस फॉर्म सच एज टेबलेट, कैप्सूल, पाउडर एंड लिक्विड डोजेस फॉर्म सच एज सिरप, मिक्सचर्स, ऑइंटमेंट्स, सम ऑइंटमेंट्स तो वैसे नहीं होंगे, ऑइंटमेंट्स मतलब जेल कह सकते हैं, कुछ जेल भी ली आते हैं, ऑइंटमेंट्स यहाँ पर नहीं हुआ, गलती हो गया, कैन बी गिवन बाई द ओरल रूट। ठीक है, एडवांटेज की बात करें तो क्या एडवांटेज है इसके ओरल रूट के, ये सेफ है, मोर कॉन्वीनियंट है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड डज नॉट इंड्यूस पेन। इसमें कोई पेन नहीं होता है, आसानी से हम किसी पेशेंट को दे सकते हैं। इन दिस रूट डज नॉट नीड एनी असिस्टेंट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, किसी और दूसरे की जरूरत नहीं होती है, खुद ही वो सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग ले सकता है, सेल्फ मेडिकेशन ले सकता है, अपने आप मेडिसिन को खा सकता है। द मेडिकामेंट ऑफ ओरल रूट डज नॉट नीड टू बी स्ट्रायल्स ओ द चीफर, और जितने भी हम ओरल रूट से ड्रग लेते हैं उनको हम स्ट्रायल करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि हम जो पेरेंटल प्रिपरेशन आती है, इंजेक्शन है जो हम IV या पेरेंटल प्रिपरेशन यानी कि जो IV या IM रूट से देते हैं, इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनस से, वो सभी प्रिपरेशन क्या होती है, स्ट्रायल होती है, वो डायरेक्टली ब्लड में पहुँचती होती है। यहाँ पर ड्रग को स्ट्रायल नहीं करना पड़ता है ओरल रूट से ड्रग दिए, क्योंकि ये ओरल रूट से जब ड्रग जाएगी पहले आपको कई सारे बैरियर को क्रॉस करती है, और जब बहुत सारे बैरियर जब क्रॉस करती है उस बैरियर में ही इनका माइक्रोब्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। जैसे ओरल कैविटी पहुंचेगी तो आपका सलाइवा है, तो सलाइवा क्या करते हैं बहुत सारे माइक्रोब्स को किल कर देता है। उसके बाद वो ड्रग कहाँ पहुँचती है, स्टमक पहुँचती है, स्टमक में क्या है, एसिड है और बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, वो सब क्या करते हैं, वो भी माइक्रोब्स को किल कर देते हैं। तो इसलिए बहुत सारे बैरियर हैं तो जो कि माइक्रोब्स हैं उनको किल कर देते हैं, इसलिए ओरल रूट में ड्रग को स्ट्रायल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जिसकी वजह से ये ड्रग क्या होती है, चीफर होती है, सस्ती होती है। दिस रूट इज ए वेरी कॉन्वीनियंट एंड फॉर इन्फेंट्स एंड ओल्ड पेशेंट्स। आप समझ ही रहे होंगे कि इन्फेंट्स को और ओल्ड पेशेंट को आसानी से हम इस रूट से ड्रग दे सकते हैं। लेकिन डिसएडवांटेज की बात करें तो क्या होता है, बाई ओरल रूट द एक्शन ऑफ ड्रग इज स्लोअर, एक्शन बहुत देर में देती है, सो इट इज सुटेबल फॉर द नॉट सुटेबल फॉर द एमरजेंसी कंडीशन, इसलिए एमरजेंसी कंडीशन में ओरल रूट से हम ड्रग नहीं दे सकते। अनपैलेटेबल ड्रग सच एज क्लोरामफेनिकोल आर डिफिकल्ट टू एडमिनिस्टर, सो ड्रग मे बी फिल्ड इन कैप्सूल्स। यानी कुछ ड्रग ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा अनपैलेटेबल, जैसे हम खा नहीं सकते, उनका टेस्ट काफ़ी ख़राब है, तो उसको ओरल रूट से लेने आसान नहीं होता है। तो आजकल क्या हो रहा है, उन ड्रग को हम कैप्सूल में फिल कर देते हैं तो ओरल रूट से ले लेते हैं, लेकिन अनपैलेटेबल जो ड्रग हैं उसको लेना आसान नहीं है। जैसे क्लोरामफेनिकोल बहुत ज़्यादा उसका टेस्ट
अनपैलेटेबल हो, जैसे हमारा टेस्ट बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है, तो उन ट्रक को ओरल रूट से नहीं दे सकते, इसलिए उन ट्रक को मेजली किया जाता है, कैप्सूल में फिल करके उसे दिया जाता है। इट मे बी कॉज नॉजिया वोमिटिंग, और बहुत सी ऐसी ड्रग होती है अगर हम ओरल रूट से देते हैं तो उनको नॉजिया वोमिटिंग भी कॉज करती है। नॉजिया मतलब जी घबराएगा और उल्टी आने की जैसी फीलिंग होगी। दिस रूट कैन नॉट बी यूज फॉर अनकॉन्शियस वोमिटिंग पेशेंट, किसी को वोमिटिंग हो रही है आपको ये अनकॉन्शियस है बेहोशी की हालत में, उसको हम ओरल रूट से ड्रग नहीं दे पाएंगे। बाई द ओरल रूट सम ड्रग आर डिस्ट्रॉय बाई द गैस्ट्रिक एसिड एंड डाइजेस्टिव एंजाइम, बता चुका हूँ ओरल रूट से ड्रग देंगे बहुत सारी ड्रग होती हैं गैस्ट्रिक और डाइजेस्टिव एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, और सम ड्रग आर मेटाबोलाइज बिफोर द रीचिंग द सिस्टम सर्कुलेशन, बहुत सी ड्रग होती हैं सिस्टम सर्कुलेशन पहले ही वो लिवर में मेटाबोलाइज हो जाएंगी, और लिवर में मेटाबोलाइज होने की वजह से क्या होता है वो कम एक्टिव फॉर्म में ब्लड में पहुंच पाएंगी, जिसकी वजह से वो ड्रग अपना प्रॉपर इफेक्ट नहीं दे पाती हैं, जिसे हम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के नाम से जानते हैं। इस वजह से हम ओरल रूट से उन ड्रग को हम ओरल रूट से नहीं दे सकते। तो ये कंप्लीट हुआ आपका ओरल रूट, समझता हूँ क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं बक्कल या बक्कल सबलिंगल किबडी रूट। इन दिस रूट द टेबलेट कंटेनिंग द ड्रग इज प्लेस अंडर द टंग एंड क्रश इन द माउथ एंड स्प्रेड ओवर द बक्कल मुकोजा। इस रूट में क्या होता है, टेबलेट होती है उसमें ड्रग होगी, उसको हम टंग के नीचे रख देते हैं, और टंग के नीचे रखेंगे या फिर माउथ के अंदर क्रश कर लेते हैं, और वो हमारे पूरे माउथ में स्प्रेड हो जाती है और वहीं से वो हल्के हल्के एब्जर्व हो जाती है। द एक्टिव मेडिकमेंट्स गेट एब्जर्व थ्रू द बकल म्यूकोजा, जो बकल म्यूकोजा हमारी जो ओरल कैविटी है वहाँ से एब्जर्व होकर कहाँ पहुँचती है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुँच जाती है। ऑनली लिपिड सॉल्युबल एंड नॉन इरिटेटेबल ड्रग्स कैन नॉट बी एडमिनिस्ट्रेटेड, यानी कि जो आपकी इस रूट से हम केवल जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग हैं और जो इरिटेटिंग नहीं है, जो इरिटेशन म्यूकोजा पे क्रिएट नहीं करेंगे, उन ड्रग को हम ओनली सबलिंगल रूट या बकल रूट से भेज सकते हैं। एडवांटेज की बात करें तो द मेडिकमेंट एब्जर्व क्यूकली, दिस टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द एमरजेंसी। इस कंडीशन में क्या होती है कि मेडिकमेंट होता है आपका आसानी से क्यूकली एब्जर्व हो जाता है, और ये एमरजेंसी कंडीशन में मेरी रूट परफेक्ट किया था। जैसे मैं आपको बताऊँ कि किसी को हार्ट अटैक या एंजाइना की पेशेंट की शिकायत होती है, तो उसमें आपको एक ड्रग आती है सॉर्बिट्रेट नाम से, जिसे जिसमें आपका नाइट्रोग्लिसरीन होता है, वो सॉर्बिट्रेट जैसे ही वो टंग के नीचे रखते हैं तुरंत वो एब्जर्व हो जाती है, और जो कार्डियक अटैक हो रहा होता है उसको सिम्टम्स को क्या कर देती है, कम कर देती है, क्योंकि वो तुरंत एब्जर्व होकर कहाँ पहुँचती है, सिस्टमिक सर्कुलेशन पहुँचती है। यानी कि इसकी वायबिलिटी की बात करें तो इसकी सबलिंगल या बकल कैविटी के रूट की वायबिलिटी अच्छी है एज़ कम्पेयर टू द ओरल रूट। वायबिलिटी आप समझ गए होंगे, मैंने बताया था वायबिलिटी मतलब कितनी देर में जो ब्लड के अंदर ड्रग पहुंच रही है और कितने अमाउंट में पहुंच रही है, तो यानी कि वायबिलिटी इज मोर बाय द सबलिंगल रूट एज कम्पेयर टू द ओरल रूट। नेक्स्ट क्या है, द ड्रग डज नॉट पास थ्रू द जीआईटी, जब पास नहीं होगी तो चांसेस ऑफ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में क्या होंगे, कम होंगे। तो उन रूट जिनके जो ड्रग जिनका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है तो उनको हम सबलिंगल रूट से दे सकते हैं एज कम्पेयर टू द ओरल रूट, ठीक। नेक्स्ट आता है डिसएडवांटेज, क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं, द लिपिड्स इनसॉल्युबल और इरिटेटिंग ड्रग्स कैन नॉट बी गिवन बाय दोस, जो मैं बता चुका हूँ जो लिपिड इनसॉल्युबल हैं, तो लिपिड इनसॉल्युबल ड्रग आसानी से बकल मुक्योजा से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे, और इरिटेशन कोज करेंगे तो वहाँ पर इंजरी होने के चांसेस या इन्फ्लामेशन चांसेस ज़्यादा होंगे, तो उन ड्रग को भी नहीं दे सकते हैं। साथ में लार्ज क्वांटिटी ऑफ ड्रग और अनप्लीजेंट टेस्ट ऑफ ड्रग कैन नॉट बी गिवन बाय दोस रूट्स। अब लार्ज क्वांटिटी को ड्रग देनी है तो वो ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में भी ये ड्रग वहाँ से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी, थोड़ी मात्रा में ऑब्जर्व हो पाती है। साथ में जिसका टेस्ट अनप्लीजेंट है, जिसका हम टेस्ट अच्छा नहीं है, हम उस टेस्ट को बर्दाश्त नहीं कर सके, उस टेस्ट की ड्रग को भी हम इस रूट से नहीं दे पाएंगे। थर्ड आते हैं रेक्टल रूट पर। रेक्टल रूट द रूट इन्वॉल्व द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकमेंट थ्रू द रेक्टम पोर्शन ऑफ द फॉर सिस्टमिक इफेक्ट। मैंने बताया था आपको रेक्टल रूट में क्या है कि जो ड्रग है वो आपको एडमिनिस्ट्रेट करते हैं थ्रू द रेक्टम पोर्शन से, जो आपका एनएस के ऊपर जस्ट पोर्शन हो, एनएस के आसपास जो पोर्शन है वो आपका रेक्टम कहलाता है, तो रेक्टम से ड्रग दी जाएगी एंड द ड्रग एब्जर्व इनटू द एक्सटर्नल हिमोराइडल वेंस। यहाँ पर क्या होती हैं, जस्ट ए मिनट, हाँ तो यहाँ पर क्या होंगी, एक्सटर्नल हिमोराइडल वेंस हैं, हिमोराइडल वेंस होंगी वो आपके एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जैसे ही आपका जो रेक्टम पोर्शन है, रेक्टम पोर्शन की चारों तरफ वेंस हैं जिसको हम हिमोरॉयडल बोन्स के नाम से जानते हैं, और ये ड्रग को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और डायरेक्टली ड्रग कहाँ पहुँच जाती है, ब्लड में पहुँच जाती है, ब्लड स्ट्रीम में पहुँच जाती है, बाईपास टू द लिवर, लिवर में नहीं पहुँचेगी, बाईपास हो जाएगी और रीच टू द सिस्टम सर्कुलेशन, सीधे कहाँ पहुँचती है, सिस्टम सर्कुलेशन पहुँच जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें जो रोजेस फॉर्म होती है वो सपोज ट्रीज
डोजेस फॉर्म्स हैं वो मेजॉरिटी लेटरल रूट से दी जाती हैं। आप पढ़ेंगे सपोजिटरी के बारे में, स्विटर्स में जो सपोजिटरीज होती हैं वो आपके लेटरल पोर्शन में इंसर्ट कर दी जाती हैं, उन्हें ही दिया जाता है, ठीक है। एडवांटेज क्या है, दिस रूट कैन बी यूज फॉर द पेशेंट हैविंग ए वॉमिटिंग अनकॉन्सियस पेशेंट। कोई पेशेंट अगर अनकॉन्सियस कंडीशन में वॉमिटिंग किसी को हो रही है तो उस कंडीशन में पेशेंट को हम रेक्टल रूट से ड्रग दे सकते हैं। अनप्लीजेंट एंड ड्रग विद ए हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कैन बी एब्जॉर्व एंड रीच टू द सिस्टम सर्कुलेशन। कोई ड्रग अनप्लीजेंट है जिसका टेस्ट अच्छा नहीं है और साथ में जिस ड्रग का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा हाई है, यानी कि वो ड्रग ब्लड में पहुँचने से पहले ही बहुत हायर अमाउंट में इनएक्टिव हो जा रही है या मेटाबलाइज हो जा रही है, तो उन दोनों ड्रग को हम क्या कर सकते हैं, हम इसको सिस्टम से इसको मतलब सॉरी रेक्टल रूट से दे सकते हैं, क्योंकि ओरल रूट से दे रहे हैं। ओरल एक बार याद रखना जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म वो कैसे होता है, ओरल रूट से ही होता है। और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म मैं क्लियर कर दूंगा आगे वाली स्लाइड में और ज़्यादा चीज़ें, ठीक है। तो यानी कि जिसका अनप्लीजेंट टेस्ट है, जिसका हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, उन ड्रग को भी हम रेक्टल रूट से दे सकते हैं जो आसानी से सिस्टम सर्कुलेशन में पहुँच जाती हैं। डिसएडवांटेज क्या है, रेक्टल इन्फ्लामेशन में भी अगर इन द इरिटेटिंग को ड्रग अगर इरिटेटिंग ड्रग है तो रेक्टल जो पोर्शन है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगा, इसलिए उनको ड्रग को नहीं देंगे। और एब्जॉर्प्शन होता है वो स्लो होता है, बट नॉट अगर कोई रैपिड एक्शन चाहिए तो हम उस रूट से ना ड्रग दें, क्योंकि रैपिड एक्शन इससे नहीं मिलेगा, स्लोली एक्शन मिलेगा थ्रू द रेक्टल रूट। ये आप देख रहे हैं, ये आपके क्या हैं सपोजिटरीज हैं, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये एनएस पोर्शन है, यहाँ पर इस सपोजिटरी को इंसर्ट कर दिया जाता है और यही रूट क्या कहलाता है, रेक्टल रूट कहलाता है। क्यूटेनियस रूट यानी कि जो स्किन है, स्किन के ऊपर रब करेंगे हम चीज़ों को, या और काफ़ी ज़्यादा रब करने पर क्या होती हैं ड्रग जो आपके सिस्टम सर्कुलेशन में पहुँच जाती हैं वो आपके क्या आती है, क्यूटेनियस रूट हैं। हाई लिपिड सॉल्युबल ड्रग कैन बी अप्लाइड ओवर द स्किन फॉर स्लो एंड प्रोलॉन्ग एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग। हाई लिपिड सॉल्युबल ड्रग हम क्यूटेनियस रूट से देते हैं, सबक्यूटेनियस जो लेयर है हमारी स्किन की उस पर अप्लाई करेंगे इस पर और रब करना पड़ता है। इन दिस रूट द ड्रग कैन बी मिक्स विद ऑइंटमेंट बेस में ड्रग को मिक्स करना पड़ेगा या एंड अप्लाइड ओवर द स्पेसिफाइड एरिया ऑफ द स्किन, और स्किन पे हम अप्लाई करते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग कैन बी इनहांस बाय द रबिंग ऑफ प्रिपरेशन बाई ऑयली बेस, और इसकी इस प्रिपरेशन को अगर हमें एब्जॉर्प्शन को इनहांस करना है तो वहाँ पे हमें रब करना पड़ता है, और रब जितना ज़्यादा रब करेंगे और ऑयली बेस या ऑइंटमेंट बेस होगा तो आसानी से वो ड्रग है वो आपकी एब्जॉर्व होकर ब्लड के अंदर पहुँच जाएगी, सिस्टम सर्कुलेशन पहुँच जाएगी, तो वो क्या है, क्यूटेनियस रूट हो गया, ठीक है। तो डर्मल इसमें जो एग्जांपल है, डर्मल एडहेसिव पैचेस ऑफ वेरियस साइज, जैसे आपको ये दिख रहे हैं, ये क्या हैं, पैचेस हैं जो स्किन पे लगा लिए जाते हैं, ये पैचेस हैं, ये पैचेस लगाए जा रहे हैं। तो ये डर्मल एडहेसिव पैचेस ऑफ वेरियस साइज के शेप के यूज़ हो रहे हैं आजकल, विच डिलीवर द कंटेंट ड्रग एट अ कॉन्स्टेंट रेट टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। वहाँ से क्या होगा, हल्के हल्के ड्रग वहाँ से एब्जॉर्ब होती रहती है और हल्के हल्के आपके सिस्टम सर्कुलेशन में पहुँचती जाती है। फॉर एग्जाम्पल है ट्रांसडर्मल पैचेस ऑफ ग्लिसराइल नाइट्रेट ड्रग के आ रहे हैं, ये मैंने बताया था, और फेनेटाइल निकोटीन के आ रहे हैं, और एस्ट्राडाइल आर अवेलेबल इन द इंडिया। जो तो ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट जो होती हैं वो आपके बेसिकली कार्डिक पेशेंट्स को होते हैं उनके लिए दिए जाते हैं, और फेनेटाइल निकोटीन जो होती है वो, और जो आपके एस्ट्राडाइल है, ये सभी आपके प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए ऐसे पैचेस एस्ट्राडाइल हार्मोन है जिसको यूज़ किया जाता है ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव्स के लिए, तो वो भी हम पैचेस आजकल यूज़ हो रहे हैं, लॉन्ग टाइम तक वो अपना इफेक्ट देते हैं लगाने के बाद में। एडवांटेज की बात करें, दिस रूट इज आल्सो लिवर बाईपास, लिवर में जाएगा नहीं क्योंकि, और मैंने बताया था ओरल रूट से जब ड्रग दो तभी वो लिवर से बाईपास होता है, लिवर से जाता है। अगर ओरल रूट से नहीं दे रहे हैं और कहीं और रूट से दे रहे हैं तो वो लिवर से जाएगा ही नहीं, तो लिवर से क्या हो गया, बाईपास हो गया और डायरेक्टली रीच होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन, यानी कि जिनका हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज़्यादा है उन ड्रग को हम इस रूट से भी दे सकते हैं। पैचेस आर गिवन प्रोलॉन्ग टाइम ऑफ एक्शंस, और पैचेस जो लग जाते हैं ट्रांसडर्मल पैचेस वो लॉन्ग टाइम तक एक्शन देते हैं। कोई कोई पैचेस ऐसे भी होते हैं जिनको स्किन के नीचे स्किन के नीचे इंसर्ट कर दिया जाता है और लगभग एक से डेढ़ महीने तक उनका इफेक्ट रहता है। डिसएडवांटेज क्या है कि ये यहाँ पर जो ड्रग होती है वो स्लोली ऑब्जर्व होती है, द रूट स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स, ठीक है। इनहलेशन रूट्स, जितने अस्थमा पेशेंट होंगे वो आपने देखा होगा, द वोलेटाइल लिक्विड एंड गैसेस आर गिवन गिवन बाय द इनहलेशन रूट फॉर द सिस्टमिक एक्शन। जो वोलेटाइल लिक्विड हैं गैसेज हैं उनको हम इनहलेशन जैसे जनरल एनेस्थेटिक जितने भी हेलोएथीन है, ईथर है,
ये सभी जो डाइथल ईथर है ये सब किसी ये इनहलेशन रूट से दिए आते हैं, जनरल एनेस्थेटिक कंपाउंड है। इन दिस रूट एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग टेक प्लेस फ्रॉम द लार्ज सरफेस एल्वोलाई। जो एल्वोलाई है आपके क्या है, लंग्स की जो यूनिट क्या है, एल्वोलाई है। और एल्वोलाई ये पोर्शन है जिसमें क्या होता है, गैस का एक्सचेंज होता है, यानी कि ऑक्सीजन निकलती, ऑक्सीजन ब्लड में जाएगी और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। तो उसी पोर्शन में क्या होती है, उसी एल्वोलाई के थ्रू क्या होती है, ड्रग भी आपके कहाँ पहुँच जाएगी, ब्लड में पहुँच जाती है। हमने लिया नोजल से, इनहलेशन किया नोज से, और वो कहाँ पहुँची, पहुँची लंग्स में पहुँची। लंग्स के एल्वोलाई पोर्शन में क्या हुआ, ब्लड था वो ब्लड में ट्रांसफ़र हो गई, यानी ब्लड के अंदर वो डायरेक्टली पहुँच गई। तो इस तरीके से एक्शन क्या होता है, वेरी फास्ट आता है, तुरंत ब्लड में पहुँच रही है, तुरंत एक्शन दे रही है। एडवांटेज क्या है, दिस रूट इज़ वेरी रैपिड ऑनसेट एक्शन, तुरंत रिक्यूक एक्शन मिल रहा है। जैसे अस्थमा के पेशेंट होते हैं, आपने देखा होगा, तो उनमें अस्थमैटिक पड़ रहा है, जैसे ही वो अस्थमैटिक पंप से ड्रग ले रहे हैं, तुरंत ही क्या होता है, उनको तुरंत रिलीफ मिल जाता है। अस्थमा अटैक क्या होता है, तुरंत सप्रेस हो जाता है, क्योंकि एक्शन क्या है, क्यूक है, बहुत ज़्यादा ऑनसेट एक्शन, बहुत ज़्यादा फास्ट। एडवांटेज दूसरा क्या है, लिवर बाईपास है, लिवर में जा नहीं रही है, तो मेटाबोलाइज फर्स्ट पास मेटाबोलाइज से अवॉइड हो रही है। डिसएडवांटेज क्या है कि इरिटेंट वेपर्स हैं, जो इरिटेशन वेपर करती हैं, उन वेपर को हम इनहलेशन रूट से नहीं जा सकते। जैसे ईथर है, वो इनहलेशन इन्फ्लामेशन कॉज करेगी तो द रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो ये आपका एक तो ये अस्थमेटिक पेशेंट, अस्थमेटिक पंप है उसके थ्रू दी जाती है, एक नेबुलाइजर भी यूज़ किया जाता है उसके थ्रू भी हम इनहलेशन रूट से देते हैं। नेबुलाइजर आपने देखा होगा जो सेल्बिटामोल या बच्चों को नेबुलाइज करते हैं, तो ये भी एक इनहलेशन रूट का एग्जाम्पल है और ये भी एक इनहलेशन रूट का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब नोजल ड्रॉप की बात करते हैं। नोजल ड्रॉप, इन दिस रूट द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज कैन बी इजिली ऑब्जर्व ड्रग्स एंड टू रीज द हिस्टमिन सर्कुलेशन। नोजल रूट में हम ड्रग डालेंगे, नोजल रूट जो नोज है, नोज के अंदर जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन है, बाहर ड्रग आसानी से ऑब्जर्व होगी, ऑब्जर्व होकर पहुँच जाती है हिस्टमिन सर्कुलेशन में पहुँच जाती है। तो नोजल ड्रॉप इसके लिए एग्जाम्पल रहते हैं। एडवांटेज क्या है, द रूट दिस रूट इज नॉट अफेक्टेड बाई डाइजेस्टिव एंड बाईपास एंड इरिटेटिंग ड्रग हम इस ड्रग से नहीं दे पाएंगे। अब बात करते हैं पैरेंटल रूट से। पैरेंटल रूट मैंने आपको बताए थे कि जो ड्रग इंजेक्शन के थ्रू अप्लाई किए जाते हैं वो सभी क्या हैं, पैरेंटल रूट में आ जाएंगे। नाउ दिस रिफर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग बाय द इंजेक्शन डायरेक्टली टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन इज कॉल्ड पैरेंटल रूट। पैरेंटल रूट बेसिकली आपके फोर मेन टाइप के हैं, सबक्यूटेनस, इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल। सबक्यूटेनस की बात करें, द ड्रग इज एडमिनिस्ट्रेड इन टू द लूज सबक्यूटेनस टिश्यू, जस्ट हमारे जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस फिर डर्मिस। अगर हम स्किन देख रहे हैं, स्किन सबसे ऊपर लेयर कौन सी होती है, एपिडर्मिस, फिर उसके नीचे कौन सी होती है, डर्मिस, डर्मिस के नीचे क्या होता है, सबक्यूटेनस। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर क्लियर कर दूँ, ये आपको जो ऊपर दिख रही है सबसे ऊपर वो क्या है, डर्मिस, एपिडर्मिस, फिर नीचे क्या है, डर्मिस, और ये येलो कलर का पोर्शन दिख रहा है ये क्या है, सबक्यूटेनस। तो यहाँ पर जो ड्रग अप्लाई की जाएगी वो ये वाला पोर्शन जो है वो किसका है, सबक्यूटेनस का है। जो सबक्यूटेनस लेयर में ड्रग दी जा रही है वो कौन सी रूट होगी, सबक्यूटेनस टिश्यू में जो ड्रग दी जा रही है, दैट इज द सबक्यूटेनस रूट। क्लियर, द ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड टू द लूज सबक्यूटेनस टिश्यू विच इज रिचली सप्लाई बाय द नर्व्स। नर्व्स से रिचली सप्लाई है, नर्व्स की क्वांटिटी वहाँ पर ज़्यादा है, सो इरिटेंट ड्रग्स कैन नॉट बी इंजेक्टेड, यानी इरिटेंट ड्रग को हम सबक्यूटेनस रूट से नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर नर्व्स ज़्यादा हैं और नर्व में इन्फ्लामेशन होगा तो वहाँ पर आपको पेन भी होगा, इचिंग भी होगी, ये सब जैसी कंडीशन बन सकती है, इसलिए इरिटेटिंग ड्रग को हम सबक्यूटेनस रूट से नहीं देंगे। द सबक्यूटेनस टिश्यू इज लेस वैस्कुलर मीन्स एब्जॉर्प्शन स्लोअर देन इंट्रामस्कुलर रूट, यानी जो सबक्यूटेनस रूट टिश्यू है वहाँ पर नर्व्स की क्वांटिटी ज़्यादा है और ब्लड वेसल्स की क्वांटिटी या ब्लड जो है वो कम अमाउंट में पहुँच रहा है, तो जब ब्लड कम अमाउंट में पहुँच रहा है तो एब्जॉर्प्शन वहाँ पर क्या होगा, स्लो होगा, क्योंकि वहाँ ब्लड वेसल्स कम हैं तो ब्लड कम अमाउंट में पहुँचेगा तो ब्लड में एब्जॉर्ब स्लोली होंगी, और जबकि इंट्रामस्कुलर में क्या होता है, ब्लड वेसल्स ज़्यादा होती हैं तो वहाँ से अच्छे से एब्जर्व हो जाती हैं। दूसरा एक और बात है कि
ओनली स्मॉल वॉल्यूम यानी लेस देन 1 ml कैन बी इंजेक्टेड विद ए सेल्फ इंजेक्शन इज पॉसिबल बिकॉज डीप पेनिट्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड एग्जाम्पल इंसुलिन इंजेक्शंस। दूसरी बात क्या है, सबक्यूटनस रूट से जो अमाउंट ऑफ ड्रग देंगे वो हमारा लेसर रहता है यानी कि 1 ml से कम रहेगा, 1 ml से हम ज़्यादा नहीं दे सकते। साथ में इसमें एक अच्छी बात ये होती है कि सेल्फ इंजेक्शन पॉसिबल होता है क्योंकि डीप पेनिट्रेशन नहीं करनी है। आपने देखा होगा कि इंसुलिन इंजेक्शन आसानी से ले लिए जाते हैं। तो ये बात हुई सबक्यूटनस रूट की। अब बात करते हैं इंट्रामस्कुलर रूट। द ड्रग इंजेक्टेड इज इन वन ऑफ द लार्ज मसल्स इज डेल्टॉइड और ट्राइसेप। डेल्टॉइड ट्राइसेप जो मसल्स हैं हमारी, डेल्टॉइड यानी कि जो पैर की जांघ की मसल्स है, ट्राइसेप यानी कि जो आपकी बाजू की जो मसल्स हैं, उन मसल्स में ये अप्लाई की जाती हैं, ड्रग दी जाती हैं। और मसल्स इज डायरेक्टली इंजेक्शन के थ्रू दी जाती हैं। द मसल्स इज लेस रिच सप्लाई विद सेंसरी नर्व्स। यहाँ पर सेंसरी नर्व मसल्स में क्या है, कम है, जबकि सबक्यूटनस में क्या थी, ज़्यादा थी। ठीक, सो माइल्ड इरिटेंट ड्रग्स कैन बी इंजेक्टेड बाय द इंट्रामस्कुलर रूट। इसलिए कुछ मात्रा में इरिटेटिंग ड्रग हैं उनको हम इस मस्कुलर रूट से दे सकते हैं जो हम सबक्यूटनस रूट से नहीं दे पा रहे थे। तो मस्कुलर रूट इज मोर वैस्कुलर सो एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इज इन एक्वस सॉल्यूशन इज फास्टर। यानी कि अगर हम मस्कुलर रूट में ड्रग देते हैं तो एक्वस पोर्शन में अगर ड्रग डिजॉल्व वाली है तो आसानी से वो ड्रग क्या होगी, मस्कुलर रूट से एब्जॉर्ब हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ब्लड वेसल्स की क्वांटिटी ज़्यादा है, ब्लड ज़्यादा होगा तो एब्जॉर्प्शन रेट ऑटोमेटिक बढ़ जाती है एज़ कम्पेयर टू द सबक्यूटनस रूट। सेल्फ इंजेक्शन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द डीप पेनिट्रेशन रिलेटेड। और इंट्रामस्कुलर रूट आसानी से आप खुद नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ पर पेनिट्रेशन होती है वो आपकी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, यहाँ पर इंजेक्शन होता है वो ज़्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि सबक्यूटनस जो लेयर होती है टिशू की उससे नीचे होता है। जैसे आपको दिखाऊँ, यहाँ पर आपकी सबक्यूटनस टिशू लेयर थी, इससे नीचे क्या है, मसल्स है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये जो इंजेक्शन लग रहा है वो आपका कौन सा वाला है, इंट्रा मस्कुलर, यानी पेनिट्रेशन ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा पेनिट्रेशन चाहिए तो इसी सेल्फ इंजेक्शन की पॉसिबिलिटी कम हो पाती है जो सबक्यूटनस इंजेक्शन सबक्यूटनस रूट में हो पाती थी। अब बात करते हैं इंट्रावीनस की। द ड्रग इंजेक्टेड इनटू द बोलस और इन्फ्यूज स्लोली ओवर द मैनी हावर इन वन ऑफ द सुपरफिशियल वेन्स इज कॉल्ड इंट्रावीनस। इंट्रावीनस यानी वो रूट जिसमें हम किसी भी वेन्स के अंदर ड्रग देते हैं और वेन्स में जो ड्रग देंगे वो आपकी बोलस फॉर्म में, बोलस फॉर्म यानी कि हमने 50 ml दे दी, 10 ml दे दी, 20 ml दे दी, 30 ml दे दी, डेट इज़ द बोलर पोर्शंस। इन्फ्यूज़ मतलब क्या है, आपने देखा होगा जो खासकर ग्लूकोज की बोटल्स होती हैं या फिर आप इलेक्ट्रोलाइट्स की, सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलाइट्स की बोटल होती हैं उसे इन्फ्यूज़ कर देती हैं, कंटिन्यू 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे तक चल रही है, एब्जॉर्ब होती जा रही है, तो वो इन्फ्यूज़ स्लोली ओवर द मैनी हावर कई घंटे तक चलता रहता है ऑन द सुपरफिशियल वेन में दी जाती है। तो ये रूट कौन सा होता है, इंट्रावीनस रूट होता है। द ड्रग रीच डायरेक्टली इन टू द ब्लड स्ट्रीम एंड इफेक्ट प्रोड्यूस इमीडिएटली, और तुरंत इफेक्ट प्रोड्यूस होता है क्योंकि डायरेक्टली वो ब्लड स्ट्रीम पहुँचा है, बायबिलिटी इसकी बहुत बढ़िया है। और सो ग्रेट वैल्यू इन एमरजेंसी कंडीशन में मोस्टली जो ड्रग दी जाती है वो आपकी आई वी रूट से ही दी जाएगी। ओनली एक्वस सोल्यूशन कैन बी इंजेक्टेड बाई द आई वी रूट। और एक बात याद रखनी पड़ती है, एक्वस सोल्यूशन में जो ड्रग होगी वही हम आई वी रूट से देते हैं, बट सस्पेंशन और इमल्सन कोई बना हुआ ड्रग का है, कोई इंजेक्शन है जो सस्पेंशन या इमल्सन का है उसको हम इंजेक्टेड आई वी रूट से नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना पड़ेगा। आई वी रूट से जो भी ड्रग दी जाएंगी डेट इज ओनली इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशंस। ठीक है, फिलहाल से आता है इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल्स क्या होते हैं, द ड्रग इज इंजेक्टेड अंडर द डर्मिस, जो डर्मिस में जो इंजेक्ट की जाती है। दिस रूट इज यूज फॉर द स्पेसिफिक पर्पस सच एज़ बीसीजी वैक्सीन। बीसीजी वैक्सीन ही लगती है, जो आपको फर्स्ट वाला पोर्शन दिख रहा है ये वाला, ये डर्मिस में ड्रग दी जा रही है और इसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रा डर्मल्स बोलते हैं। ठीक है, ये क्या थे, ये आपके बोलर पोर्शन है, बोलर्स में ड्रग दी जाती है जो मैं बता था आपको, बाइल्स या फिर एम्पूल्स के थ्रू। और ये जो आपके बैग्स दिख रहे हैं इन्फ्यूजन पैचेस हैं, इसमें भी आई वी रूट से ड्रग दी जाएगी, इससे भी इसको भी, तो ये लॉन्ग टाइम तक दी जाती है। ठीक है, तो ये बात हुई आपके। अब एडवांटेज डिसएडवांटेज देखते हैं पेरेंटल रूट्स के। तो एडवांटेज क्या है, ड्रग एक्शन इज वेरी फास्ट एंड रैपिड एक्शन मिलेगा, मैंने बताया इमरजेंसी कंडीशन बहुत प्रेफर्ड रूट है पेरेंटल रूट। गैस्ट्रिक इरिटेशन एंड वॉमिटिंग डज नॉट प्रोड्यूस, गैस्ट्रिक इरिटेशन भी नहीं होगी, वॉमिटिंग के चांसेस नहीं है। दिस रूट इज मोस्ट सुटेबल फॉर द वॉमिटिंग अनकॉन्सियस इमरजेंसी पेशेंट हो, अनकॉन्शियस पेशेंट हो, वॉमिटिंग का पेशेंट हो, सबके लिए ये सुटेबल रूट है। इन दिस रूट द चांस ऑफ फूड ड्रग इंट्रैक्शन के चांसेस कम रहेंगे, इंट्रैक्शन और डाइजेस्टन एंजाइम के चांसेस कम हो जाते हैं,
फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ही होता है, वो सब ये पॉसिबल नहीं हो पाते हैं, इन सब से हम बच जाते हैं थ्रू जब हम ड्रग को पेरेंटल रूट से देंगे। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है कि ये रूट क्या है, वेरी पेनफुल है, पेन बहुत होगा रूट से ड्रग देते हैं तो। पेरेंटल ड्रग आर मोर कॉस्टली, पेरेंटल ड्रग जितने भी आते हैं एम्पुल्स वाइल जितने भी आएंगे वो कॉस्टली होते हैं, क्योंकि इनका स्टरलाइजेशन किया जाता है, क्योंकि ये सीधे कहाँ पहुँच रहे हैं, ब्लड में पहुँच रहे हैं विदाउट क्रॉसिंग एनी टाइप ऑफ बैरियर। जबकि हम ओरल रूट से दे रहे थे, बहुत सारे बैरियर थे, यहाँ पर माइक्रोब्स क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, चाहे ओरल कैविटी में हो, चाहे स्टमक में हो, चाहे आपका एब्जॉर्प्शन होने के लिए होने से पहले एब्जॉर्प्शन लेयर होती वहाँ भी हो, लेकिन यहाँ पर कोई बैरियर नहीं है तो इसलिए यहाँ पर स्टरलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। बाई पेरेंटल रूट द चांस ऑफ लोकल टिश्यू इंजरी इज मोर। हाँ, कोई इंजेक्शन या आपको इंजेक्शन आईवी या फिर आईएम लगा रहा है तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि बाहर के टिश्यू जो होते हैं उनमें इंजरी हो जाती है। द पेरेंटल रूट असिस्टेंट ऑफ अनदर पर्सन इज मोस्टली रिक्वायर्ड। पेरेंटल रूट से जब भी देंगे अगर सबक्यूटेनस रूट छोड़ दें तो हमेशा हमें एक असिस्टेंट की जरूरत होगी, अपने आप खुद हम उस रूट से ड्रग नहीं ले पाएंगे आईवी आईएम या इंट्राडर्मल से। ठीक, तो ये इसके डिसएडवांटेज हो गए। अब जो रह गया वो पोर्शंस, वो रह गया आपका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बताया, तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। व्हेन द ड्रग इन द गट वॉल यानी कि जीआईडी ट्रैक पोर्टल सर्कुलेशन बिफोर रीचिंग सिस्टम सर्कुलेशन इज कॉल्ड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। सो द अमाउंट ऑफ ड्रग टू रीच सिस्टम सर्कुलेशन इज लेस देन द अमाउंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन साइट्स। यानी कि जो हमने ड्रग दी है वो हमने ओरल रूट से ली, तो ओरल रूट से पहुंचने के बाद यानी जीआई ट्रैक में पहुंचने के बाद ड्रग कहाँ पहुँची, एब्जॉर्ब होकर सब पहुँचे कहाँ पर, लीवर में। और लीवर में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, और लीवर में जब मेटाबॉलिज्म होगा तो ड्रग एक्टिव फॉर्म में कम होकर इनएक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो एक्टिव फॉर्म जो ड्रग है वो आपका सिस्टम जनरल सर्कुलेशन में कम अमाउंट पहुँचेगा, जब अमाउंट ऑफ एक्टिव ड्रग कम पहुँचेगा तो इफेक्ट भी कम जनरेट होगा। जैसे आप यहाँ समझ सकते हैं कि आईवी रूट जो है, यहाँ मैंने आईवी रूट से दिया तो ड्रग डायरेक्टली क्या है, रेस्ट ऑफ बॉडी में पहुँच जा रही है, जबकि ओरल रूट से दिया तो ये लीवर में जाएगी, लीवर में जाने के बाद मेटाबोलाइज हो जाएगी, तो एक्टिव अमाउंट में ड्रग क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आई वी रूट इंटर द डायरेक्टली इन टू द सिस्टम सर्कुलेशन एंड दे हैव डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द रेस्ट ऑफ द बॉडी। जबकि हम ओरल रूट से दे रहे हैं, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑन ओरली आर फर्स्ट एक्सपोज टू द लीवर एंड मे बी एक्सटेंसली मेटाबोलाइज बिफोर रीचिंग द रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो फर्स्ट पास मेटाबोलिज्म समझ गए होगे आप, अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछना। तो ये कंप्लीट हुआ आपका रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको लगता है ये वीडियो किसी को हेल्पफुल हो सकता है तो उसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।